आज का व्लॉग जो है वो लेट इवनिंग में स्टार्ट हो रहा है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं डीकैथलॉन, और इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अमन को ख़रीदने हैं शूज़, तो हम वहाँ जाके देखते हैं। और हम ऑटो से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि शाम के टाइम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है, प्लस ट्रैफिक के साथ साथ वहाँ पे पार्किंग का भी पंगा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं ऑटो से। तो मेरे साथ अयान भी आया है मास्क लगा के, और अमन और मैं, हम तीनों जा रहे हैं। अयान की तबीयत अभी पहले से बिल्कुल ठीक है, बस छाले थोड़े से बचे हैं, वो भी चले जाएंगे एक दो दिन में। अभी चलते हैं और दिखाते हैं आज क्या क्या खरीदने वाले हैं हम। मैंने कितने दिनों बाद शॉपिंग करी है आपने? लास्ट शॉपिंग याद करो। स्टार मॉल से लिए थे बस, तीन साल हो गया। नहीं नहीं, अभी थाईलैंड जाने से पहले करी तो थी, शॉर्ट्स और टी शर्ट्स और ये सब कलेश के साथ करी, जो भी है करी थी ना। तो जी, हम पहुंच गए हैं डीकैथलॉन, और अयान को बस एक बार बता दो कि हमें कहीं जाना है तो ये ऐसा चेप हो जाता है, इसको ये भी नहीं पता डीकैथलॉन में क्या है क्या होता है, कोई मतलब नहीं है। बस इसको एक बार बोल दिया कि हमें डीकैथलॉन जाना है तो इसने बोला मैं भी चलूँगा और मैं वहाँ पे देखूँगा मुझे क्या पसंद आता है, मैं भी अपने लिए शॉपिंग करके लाऊँगा। जबकि इसके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं है बीमार होने के बाद से कि ये इतना चल सके। अयान, यहाँ क्या करने आए हो? हम तो शूज़ लेने आए थे। हर चीज अपने लिए देखता ही है। क्या कह रहा है? बेटा पापा अपने लिए देख रहे हैं, अपने लिए ले ले। चलो चलो शूज देखेंगे, शूज शूज। अयान आयु, ये देखो, इधर देखो स्केट्स, ये देखो स्केट्स। कैसे, आपको चलाने भी नहीं आते अभी तो? ऐसे चला लो, हाथ पकड़ अभी बेटा सीख लो थोड़े से बड़े होके। देखो शूज वाले स्केट्स भी हैं, देखो ये रे, इधर इधर देखो, ये रे देखो, ये रे बेटा। ये अभी आप बहुत स्मॉल हो इनके लिए, थोड़ा सा भी गोना पड़ेगा इनके लिए, है ना। चलो उधर चलो, पापा उधर गए। फिर ये हेलमेट भी लेंगे हम जब आपके लिए स्केट्स लेंगे ना। और ये देखो इधर स्केट बोर्ड भी है। चलो पापा बुला रहे, चलो चलो चलो। कैसे देख रहे हो आप? स्पोर्ट्स स्पेसिफिक हैं? स्पोर्ट्स स्पेसिफिक। इसको देखो हाथ में पहन के देख रहे हैं। सही है, पहन के देखो तब पता लगेगा। वाइट तो यार आप स्पोर्ट्स के हिसाब से ले रहे हो तो ब्लैक ही लो, वाइट तो सड़ा दोगे। सारे स्पोर्ट्स के वाइट ही होते हैं, ब्लैक कौन पहनता है? सड़ा दोगे आप वाइट तो, मुझे पता है। तो फिर और शेड्स है ना, इधर देखो, इधर देखो पीछे। बास्केटबॉल स्पेसिफिक है। अच्छा, क्रिकेट वाले यही हैं बस। तो इसमें तो दो ही तीन ही कलर हैं, एक ये ऑरेंज वाला सा है, एक ये ग्रीन सा है, और एक ये ब्लू सा है। हेलो, क्या बेटा बैट देख रहे हो? बॉल देखी आपने? देखो ये टेनिस की एक ये वाली बॉल होती है, देखो ये थोड़ी हैवी होती है, है? और ये वाली देखो ये हल्की होती है। नो 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 नो, डोंट थ्रो डोंट थ्रो। और ये लेदर होता है, लेदर, ये लेदर होती है। ये बेटा मेट्रो जा रही है ना ऊपर से, इसलिए ऐसी आवाज़ आ रही है। मेट्रो है, डरो मत, मेट्रो है। नो नो नो, मैं रख दूँगी, रखो। कैसे रखोगे, मेरे को दो। पापा देखो पहन के देख रहे हैं ये वाले शूज, क्या ड्यूरेबल होती है, चलने भी तो चाहिए। हाँ तो चल जाएंगे, चार साल भी टूटेंगे तो। मैं वही तो कह रही हूँ, कहीं और कोई ऑप्शन देख लो ना। वो दे, वो नीचे गिर गया, बैठ रहा था, इधर हो जा। नहीं वो तो है ही, खैर पता तो लगता ही है। पर यार कलर सिर्फ तीन ही ऑप्शन हैं। एक बार मेरे के कलर कौन देखता है, कि तो बढ़िया तो है, और क्या होगा इसमें कलर में? तो आप पहन के तो देख लो।
मेरे को क्या, आपको कंफर्टेबल होना चाहिए बेटा। आपके हिसाब से बहुत बड़े हैं ये। पापा के लिए कह रहे थे? नहीं, पापा के हाथ में जो कलर है, कलर तो वही अच्छा है। पहन के देख लो, अच्छे तो लग रहे हैं, नो डाउट। इधर हो जाओ बेटा, देख लो मैं बड़ा है शायद। आप देखो, हाँ बड़े लग रहे हैं आपके पैर में थोड़े से। 46 है ना ये, 44 देख लो, 4 है ना, 43 देखो ना, वो नहीं वो कितना है, वो 46 है ना, तो 45 देखो फिर। हाँ वो 46 है ना, ये रहा 45। ये ठीक है, कंफर्टेबल है, हैं? तो 44 देख लो, अभी तो यही है। दूँ? हाँ बड़े हैं और क्या, 44 देती हूँ मैं, ये लो। अच्छे तो लग रहे हैं, तो आपने गलत लिया, 43, मैंने 44 सही दिए थे। 44, 43 कंफर्ट दे लेता। हाँ लुक वाइज कैसे लग रहे हैं आपको पहन के? ऊपर मुंह करके बोलो। अच्छे हैं लुक के ना, मैंने पहले भी बहुत बार, एक बार शूज लिए हुए हैं स्पोर्ट्स स्पेसिफिक, टेनिस के लिए थे, वो सॉल्व चले थे। हाँ डीकैथलॉन का सामान अच्छा रहता है। हाँ इसका कॉन्सेप्ट यही है, ये बड़े बड़े जो फुटबॉलर्स बास्केटबॉल उनसे ऐड नहीं कराता, स्टोर पे खर्चा करता। स्टोर देखो कितने बड़े बड़े, स्पोर्ट्स खेल के देखो, यूज़ करके देखो, बाहर ग्राउंड बना रखा बास्केटबॉल का, जो सामान खरीदते हो उसको यूज़ करके देखते। अच्छे से भाग के जंप करके सब करके देख लो, आयान जरूर देखेगा। आयान 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 लीव इट, आयान लीव इट, मैं देती हूँ, छोड़ दो उसको। आओ उठो, इधर आओ, चलो यहाँ से उठाओ, ये छोटी वाली उठा लो, ये वाली उठा लो, निकालो इधर से, निकालो इधर से, निकालो ऐसे, निकाल लो ना बेटा, ये लो अब खेलो बास्केटबॉल। अरे रे रे कोई नहीं, उसको जान दो, ये लो दूसरी ले लो, ये लो इसे खेलो खेलो। हाँ पकड़ो, ऐसे खेलते हैं बास्केटबॉल से, ऐसे ऐसे से ड्रिबल करके खेलते हैं। हाँ ऐसे ऐसे देखो देखो ऐसे देखो, खेलो पकड़ो पकड़ो। ये बॉल मिलने के बाद तो अयान का मन ही नहीं कर रहा था घर चलने का, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं ना अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग करने या जैसे भी, वो सब बच्चे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अलाउड होता है आप एक एक चीज़ को उठा के उसके साथ खेल के अच्छे से उसको ट्राई करके देख सकते हो, अगर आपको लेनी है तो, नहीं भी लेनी तो बच्चे तो हमेशा आपको पता ही है टाइम पास के लिए सामान उठाते ही हैं। तो अयान को तो बास्केटबॉल मिल गई, इसे जाना ही नहीं अभी। हाँ चलो ये दे, रखवाओ वापस, रखवाओ ये लेके चल रहा है वापस रखवा दो बच गया बच गया। दे दो यार अरे दे दो एन के बस की कुछ है नहीं। डोंट थ्रो डोंट थ्रो यार, थ्रो नहीं करना। इतना ट्रैफिक है रास्ते में कि हमें वहाँ पे सिर्फ 10 मिनट का काम था, और वहाँ से यहाँ घर तक आने में, मतलब वहाँ से यहाँ तक का रास्ता भी 10 मिनट का ही है, बट घर तक आने में हमें अप्रोक्सीमेट आधा घंटा लग गया, क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, हर रेड लाइट पे कम से कम 5-10 मिनट खड़े ही होना पड़ रहा है। व्हाट डू यू से अबाउट द ट्रैफिक ऑफ गुड़गांव? इट्स ओके यार, बहुत घर के तो बहुत पास है। हाँ घर के पास तो है, लेकिन मैं बता रही हूँ वहाँ से 7:15 बजे निकल गए थे और अभी 7:45 हो गए हैं, अभी तक तो पहुँचे नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो अभी है नेक्स्ट डे, और कल रात को जब हम आए थे वहाँ से तो उसके बाद थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इसलिए फिर मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। पापा के शूज़ खरीद के नहीं आए थे हम?
वहाँ से। तो फिर अभी उसके बाद टाइम नहीं मिला मुझे शूट करने का, और फिर अभी अमन गए हुए हैं खेलने के लिए। वो एक्चुअल में शूज़ इसीलिए ख़रीद के लाए थे क्योंकि आज उनके ऑफिस की तरफ से कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज्ड था, तो वहाँ पे उनको क्रिकेट खेलने के लिए जाना था, तो वो गए हुए हैं वहाँ खेलने के लिए। मेरा हो चुका है सारा काम ख़त्म, अभी बजे हैं 12 और मैं अयान को थोड़ी सी पढ़ाई कराने लगी हूँ क्योंकि अभी ये ठीक है, तो मुझे लगा कि कहीं ये भूल ना जाए, है ना बेटा, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए ना, हमें लगता है ना कि हम भूल गए हैं सब कुछ। हम भूल गए लेकिन करनी तो चाहिए। हाँ, इसलिए अयान लिख रहा है अल्फाबेट्स, ये देखो अयान खुद से सीख रहा है लिखना। लिख दिया, नेक्स्ट लाइन में करो, कंप्लीट करो इसको। अयान गुड बॉय हो गया है, अयान को पता है कि अगर अयान अच्छे से पढ़ाई करेगा, अगर अयान अच्छे से पढ़ाई करेगा तो अयान को सब याद रहेगा, नहीं करेगा तो नहीं रहेगा, है ना बेटा। और बिना पढ़ाई के तो कुछ है ही नहीं लाइफ में, है ना, तो इसलिए अयान पढ़ाई कर रहा है। ये आ गए हैं खेल के। अरे क्या बात है, वापस पढ़ाई पे स्टार्ट हो गया तू? हाँ, आज अयान पढ़ाई कर रहा है वापस से। अयान पापा देखो कितने खुश हो गए, खुद से काउंट करके लिख रहा है। पापा के नए शूज देखो, टूर्नामेंट जीत गए हम, फाइनल भी जीत गए। अच्छा फिर क्या अवार्ड मिला? अवार्ड अवार्ड कुछ नहीं मिलता, पूरा अरेंजमेंट होता है यार, 18,000 रुपए ग्राउंड बुक करते हैं, खाने पीने का सब कुछ है, पूरा ब्रेकफास्ट में सारे ऑप्शंस हैं, पूरे एकदम बढ़िया बढ़िया मजा है। पहले मैच में 3 ओवर फेंके, 3 विकेट। अच्छा, और 26 रन, कुछ 9-10 बॉलों में ये। और दूसरे मैच तो आखिरी बॉल तक गया, दूसरे मैच में आखिरी ओवर में चाहिए थे। क्या हो गया बेटा, कहाँ जा रहे हो उठ के? पापा एक बार खड़े हो गए थे, मैंने देखा। अभी भाई शूज देखेगा, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी है, ये देखेगा पापा के नए शूज कैसे लग रहे हैं। खड़े होके दिखा दो भाई, इसमें बेकार लग रहे हैं, खड़ा क्यों? वैसे बोल देता क्या रहा है जींस के ऊपर पहनने के, इसमें तो बेकार। खड़ा करके देख के फिर बेइज्जती कर रहा है। अच्छा बताओ क्या पूछ रहे थे आप मेरे से, पूछो क्या पूछ रहे थे। मेरा तो टॉपिक ही नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, अभी करने देंगे, एक मिनट, ये कुछ पूछ रहा था। पूछो बेटा क्या पूछ रहे थे आप। हाँ, बेटा ये क्या लिखा आपने, 4? तो बेटा इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते है ना, ये वाली जो लाइन होती है, करो ये वाली जो लाइन होती है ना, ये स्टैंडिंग लाइन, इसको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करते हैं, इस वाली को करो, देखो ऐसे ड्रॉ करते हैं, देखो ऐसे होता है 4, ठीक है। ये कितना हुआ काउंट करके, दोबारा काउंट करो, 5 थोड़ी है ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ तो 6 है ना, 6 लिखो। हाँ अब आप बोलो क्या कह रहे थे। पूरी फैसिलिटी है, ऑफिस वाले बुक करते हैं, तो क्या करें। अच्छा आखिरी मैच में आखिरी होने चाहिए थे 15 रन, 15 या 18 रन चाहिए थे, मार दिए मैंने छक्के, जीत गए, जिताए आए, चलो तो आज पार्टी दे दो। अच्छा। तो जी आज के व्लॉग में रखते हैं बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और बेल आइकन को प्रेस करोगे तो न्यू व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर।